हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित। हम बात कर रहे हैं सीआईबी का एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला सवाल है कि बैंक रेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट बोलते हैं, प्रीमियम रेट बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं, ओवर प्रीमियम रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है कंट्रोल करता है क्या चीज को, सप्लाई ऑफ मनी को, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को, कॉस्ट ऑफ मनी को, या सारे ऑप्शन सही है। जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ऑल द अबव। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एसएलआर, बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट। तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम को हम सीआरआर बोलते हैं। सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंड्स, जो कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंड का वो जरूरी होता है कि आप आरबीआई से मेंटेन करें, उसको क्या बोलेंगे, एसएलआर, रेपो रेट, सीआरआर या फिर बैंक रेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सीआरआर। फिर एसएलआर जरूरी होता है मेंटेन करना बैंक के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ क्या, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ऑल द अबव। तो तीनों फॉर्म में रहता है, कैश में भी रहता है, गोल्ड में भी रहता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में भी रहता है, ऑल द अबव। एसएलआर डिटरमाइन किया जाता है परसेंटेज ऑफ क्या, डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज, या दोनों का, या नन। एसएलआर एक तरीके का डिटरमाइन किया जाता है क्या, परसेंटेज ऑफ क्या हो गया, डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज, दोनों ही, यानी बोथ हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, आरबीआई पैसा शॉर्ट टर्म के लिए देता है बैंक को, यानी आरबीआई लैंड करता है पैसा शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर या फिर रेपो रेट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेपो रेट बोलते हैं। फिर बोलता है कि आरबीआई रेपो रेट अगर बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप बोरोइंग जो है आरबीआई का, अगर मान लीजिए रेपो रेट बढ़ जाता है, तो जो बैंक आरबीआई से बोरो करती है पैसा, वो क्या हो गया, महंगा हो गया, मतलब लेस एक्सपेंसिव हो गया, मोर एक्सपेंसिव हो गया, नो इफेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या है कि मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा लोन। बैंक अपना एक्सेस लिक्विडिटी को पार्क करता है आरबीआई के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मतलब, ठीक है, उसको एक ऑप्शन दिया है कि रेपो रेट बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे, एमएसएफ बोलेंगे, एसएलआर बोलेंगे। जो बैंक का एक्सेस मनी है आरबीआई के साथ अगर पार्क करता है, उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, बी ऑप्शन। आरबीआई के पास ऐसा कौन सा मेथड है जिसके हेल्प से वो लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर देता है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रेपो रेट। आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, एक मेगा ऑफर है जो कि वैलिड लिमिटेड पीरियड तक, टिल 31 जुलाई 2018 तक। इसमें अगर आप कोई भी जेआईबी या फिर सीआईबी का कोर्सेज करते हैं, हम आपको क्या क्या देंगे, इसमें एक ऑनलाइन यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप सारा का सारा वीडियो लेक्चर कोर्सेज आप दे सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो दे सकते हैं, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, क्विक रिवीजन नोट मिल जाएगा और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप कोई भी सिंगल जेआईबी, सिंगल सीआईबी और बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं, इसका दाम एक्चुअली में 2000 रूपये, ऑफर मिलेंगे तो 600 रूपये पड़ेगा। अगर आप जेआईबी का तीनों पेपर लेते हैं, कॉम्बो पैक लेते हैं, जिसका दाम है 4500 रूपये, ऑफर मिलेंगे तो 1500 रूपये पड़ेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर लेते हैं, जिसका दाम है 3500 रूपीज, ऑफर मिलेंगे तो 1100 रूपये पड़ेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर लेते हैं प्लस रिटेल बैंकिंग करते हैं, इसका दाम है 4500 रूपये, ऑफर मिलेंगे तो 1500 रूपये पड़ेगा। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं, कोई भी पेपर का दाम है 199 रूपीज, और कॉमो पैक लेंगे, मॉक टेस्ट का दाम है 399 रूपीज ज्यादा। और हाँ, एक काम हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहला काम तो ये करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत हेल्पफुल चैनल है, ठीक है। और कॉल कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, हमारा फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jivcivstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया seedsina123@gmail.com, ठीक है, थैंक यू।